तो दोस्तों हम हमारा जो बैकग्राउंड है वो फ़ोटो एडिटिंग ऐप पिक्सी प्रो में लेकर आ गए हैं। तो फटाफट फोटो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करना है। इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करने के बाद जो हमारा कटआउट है, जो हमारी PNG है, हमारा मॉडल है, उसे लेके आते हैं। कटआउट लाने के बाद आपको राइट पे क्लिक करना है। राइट पे क्लिक करने के बाद इसे थोड़ा ऐसे फुल साइज़ कर देना है, फुल बैकग्राउंड करने के बाद इसकी ओपेसिटी है जो कम कर देनी है। कम करने के बाद आपको राइट पे क्लिक करना है, और राइट पे क्लिक करने के बाद आपको इरेजर वाला सॉफ्ट ब्रश लेने के बाद इसकी हार्डनेस स्ट्रेंथ है जो कम करने के बाद नीचे से ऐसे थोड़ा थोड़ा रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपको राइट पे क्लिक करना है और नो पे क्लिक करना है। ये सब करने के बाद आपको एडजस्ट पे क्लिक करना है और एक्सपोजर कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक करना है। यहाँ 3 डॉट से एक्सपोजर सेलेक्ट करने के बाद इसका एक्सपोजर है थोड़ा डाउन कर देना है। डाउन करने के बाद आपको राइट पे क्लिक करना है। अब जो हमारी फायर वाली PNG है, आग वाली, उसे लेकर आएंगे। तो PNG लाने के लिए आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है, इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करना है, और जहाँ भी आपकी जिस भी फोल्डर में PNG रखी हुई है आप उसे ले आएँ। तो PNG लाने के बाद दोस्तों मैं जो भी PNG बैकग्राउंड जिसका भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनकी लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर लें और इसका इस्तेमाल करें। तो PNG लाने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट पे क्लिक करने के बाद इसे ऐसे यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद, इसकी ओपेसिटी कम करने के बाद राइट पे क्लिक करना है, और राइट पे क्लिक करने के बाद आपको ब्लेंड मोड है जो ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको अगेन राइट पे क्लिक करना है, नो पे क्लिक करना है। एक बार PNG ये दोबारा से लेकर आनी है, तो चलिए हम ये PNG लेकर आते हैं। लाने के बाद आपको राइट पे क्लिक करना है और इसे यहाँ एडजस्ट करने के बाद, इसकी ओपेसिटी है जो कम करने के बाद आपको राइट पे क्लिक करना है। राइट पे क्लिक करने के बाद इसका ब्लेंड मोड है जो ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद राइट पे क्लिक करना है और नो पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये PNG हम अब नीचे, यहाँ नीचे वाले साइड में भी लगाएंगे, तो ये PNG हम फटाफट से लगा लेते हैं। तो दोस्तों फायर को एडजस्ट करने के बाद, PNG वगैरह लगाने के बाद, अब आपको राइट पे क्लिक करना है और नो पे क्लिक करने के बाद आपको इफेक्ट में जाना है। जो हमारा मॉडल है उसकी PNG लेके आते हैं, जो हमने पीछे बैकग्राउंड में लगाई थी, जिसकी ओपेसिटी कम कर कर इरेज किया था नीचे से, वही जो कटआउट है हम दोबारा से लेकर आएंगे। तो मैंने जो फ़ोटो है, दोनों ही मतलब कटआउट है जिसपे आग वगैरह लगे, मैन मैन प्रोजेक्ट भी उसी रखा है, और पीछे ओपेसिटी में भी मैंने वही बैकग्राउंड, वही PNG लगाई है। तो आप अगर अपना दूसरा फ़ोटो भी वहाँ पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों कटआउट लाने के बाद आपको राइट पे क्लिक करना है। राइट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। राइट पे क्लिक करने के बाद अब आपको अगेन राइट पे क्लिक करना है, नो पे क्लिक करना है। अब जो फायर वाली PNG हम दोबारा से लेकर आएंगे। PNG लाने के बाद आपको राइट पे क्लिक करना है और इसे हमारी जो बाजू है वहाँ पर इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको राइट पे क्लिक करना है, और राइट पे क्लिक करने के बाद आपको इसका ब्लेंड मोड है जो ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यही जो PNG हम दोबारा से हमारी दूसरी वाली बाजू है उस पर लगाएंगे। तो अब हम ये वाली PNG भी जो हमारी इस वाली बाजू पे एडजस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल डेविल लुक देना है हमारी फ़ोटो को। राइट पे क्लिक करना है, और राइट पे क्लिक करने के बाद ब्लेंड मोड है जो उसका ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको राइट पे क्लिक करना है, नो पे क्लिक करना है। अब जो हमारी आंखों में रेड कलर के लेंस वाली PNG डालनी है, तो उसे लेकर आते हैं। इफेक्ट में जाना है, इंसर्ट पिक्चर में जाना है, और लेंस वाली PNG है जो लेकर आते हैं। इनकी लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन्हें हमारी आंखों में अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल रियल लगे, ओपेसिटी कम कर कर देख लें, बिल्कुल रियल लगनी चाहिए हमारी फ़ोटो है जो। इसे एडजस्ट करने के बाद आपको इसकी ओपेसिटी फुल कर देनी है। राइट पर क्लिक करना है और इसका ब्लेंड मोड है जो ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो साइड में PNG है इसे हम
इरेज़ कर देते हैं। इरेज़ करने के बाद आपको राइट पे क्लिक करना है। राइट पे क्लिक करने के बाद यही पीएनजी दोबारा से लेके आनी है हमारी दूसरी वाली आइज़ में डालने के लिए। लाने के बाद पीएनजी आपको राइट पे क्लिक करना है और वैसे ही इसे हमारी आइज़ में सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसकी ओपेसिटी है जो फुल कर देनी है, राइट पे क्लिक करना है और इसका ब्लेंड मोड है जो ऐड कर देना है। अब जो हम हमारी बाजू पे जो हमारा ये हाथ है इस पे हम अब एक टैटू लगाएंगे, तो उस टैटू की पीएनजी लेके आते हैं। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये वाला टैटू है तो इसे हम अपने हैंड्स पे जो एडजस्ट कर लेते हैं। राइट पे क्लिक करना है। राइट पे क्लिक करने के बाद इसे अपने हाथ पे एडजस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल लगे। ऐसे तो ये थोड़ा फेक लग रहा है, इसकी जो सेटिंग है हमें थोड़ी करनी है। इसकी ओपेसिटी है जो कम कर देनी है आपको और इसे थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लेना है। ओपेसिटी की लगभग 30 के पास रखनी है और आपको राइट पे क्लिक करना है। और राइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है और इसके इफ़ेक्ट में जाने के बाद आपको इसका जो एक्सपोजर कॉन्ट्रास्ट है तो उसका कॉन्ट्रास्ट है थोड़ा बढ़ा देंगे। और राइट पे क्लिक करना है, दोबारा से 3 डॉट पे जाना है, इफ़ेक्ट में जाना है और इसकी सेचुरेशन है थोड़ी इंक्रीज़ कर देंगे। तो अब आपको राइट पे क्लिक करना है। तो हमारी फ़ोटो है जो कुछ इस प्रकार की बन चुकी है। तो अब इसे रीटच करने के लिए अब हम चलते हैं लाइटरूम ऐप मोबाइल में। तो चलिए, इसे रीटचिंग करने के लिए आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है ऐड टू LR, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है।